चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसे लेकर देश भर में दहशत का माहौल है। मौसम विभाग ने इसके 14 और 15 के बीच गुजरात के तट से टकराने की संभावना जताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन इलाकों में इस दौरान भीषण तबाही देखने को मिल सकती है। अब कहा जा रहा है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण पाकिस्तान की ओर यह तूफान फिर से मुड़ने को तैयार है। वहीं पिछले 6 घंटों से बिपरजॉय बहुत धीमा या कह सकते हैं कि स्थिर हो गया है। यह एक संकेत है कि चक्रवात की गति की दिशा अब बदल जाएगी। इसी बीच इसकी अंतरिक्ष से ली गई एक तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर लग रहा है कि इस चक्रवात ने खतरनाक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि इस तस्वीर को यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ने ISS से लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया है। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ने इससे पहले 13 जून को भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो उन्होंने ISS से शूट किया था। इस वीडियो में अरब सागर के ऊपर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखा जा सकता है। उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने की अपील करते हुए ISS के बारे में बताया था। साथ ही लिखा था कि ISS कई प्राकृतिक घटनाओं पर एक अनूठा नजरिया प्रदान करता है जो पृथ्वी पर मौसम की निगरानी में विशेषज्ञों की सहायता कर सकता है। वहीं अब उन्होंने अंतरिक्ष से ली गई अरब सागर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इससे पहले मौसम वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 जून तक यह उत्तर की ओर और फिर सौराष्ट्र कच्छ तट की ओर आगे बढ़ेगा, जिसे यह 15 जून को दोपहर तक पार कर जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा मोचन बल के साथ ही तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं अगर तूफान से निपटने के लिए देश की तैयारियों की बात करें तो तूफान को ध्यान में रखकर शासन प्रशासन की ओर से आसपास की जर्जर इमारतों को गिराया जा चुका है। कई इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है। तूफान का असर यातायात व्यवस्थाओं पर भी गंभीर रूप से पड़ा है। इसके चलते करीब 95 ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेटेड कर दिया गया है। गुजरात के तटीय इलाकों के आसपास से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया था कि हम चक्रवात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यालय में एक आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके साथ ही भुज, गांधीधाम, पोरबंदर और ओखा में AGRM भी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान कच्छ से टकराएगा और तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात सहित 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बुधवार सुबह से कई जिलों में बादलों ने डेरा डाल रखा है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों से केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो मौके पर मौजूद है। वहीं गुजरात के आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। केरल में बीते दिन रात भर बारिश हुई जो आज सुबह भी जारी रही। हालांकि केरल में मॉनसून 8 जून को दस्तक दे चुका है।